अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ अपने किचन डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 में। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन स्टीम रोस्ट। ये मैंने 6 लेग पीसेस लिए हैं। इन लेग पीसेस में मैंने कट लगा लिए थे और इसमें मैं ये 1/2 कप सिरका लगाऊंगी और इसमें थोड़ा सा नमक लगाऊंगी। आप अपने अंदाजे से नमक डाल लीजिएगा अगर आप बनाएं जब भी, और इसको खूब अच्छी तरह इसमें मल लें। चिकन लेग पीसेज में मैंने सिरका और नमक अच्छी तरह लगा दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। इस दौरान मैं दूसरे मसाले निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है दही निकाला है भर भर के, और इसमें मैं ये डालूँगी सारे मसाले जिसमें मैंने लिया है ये पिसा हुआ धनिया, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, पेपरिका 1/2 टीस्पून, ये ज़रा फैली हुई है इस वजह से ऐसा लग रहा है, और ये क्रश चिली है ये 1/2 टीस्पून है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और ये ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, और ये काली मिर्च है 1/4 टीस्पून, और ये जायफल जावित्री का पाउडर है जो मैंने अभी पीसा है, और ये 1/4 स्पून जो है ये टीस्पून येलो फूड कलर है, और जर्दे वाला ये ऑरेंज कलर है। तो ये मैं सारे इसमें मिक्स कर दूँगी। तो मैं सारा इसमें मिक्स कर देती हूँ, और ये जिंजर गार्लिक ये भी इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 1/2 लेमन निचोड़ लूँगी। पहले इसमें सिरका भी गया है चिकन में, तो मैं इसमें थोड़ा ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। इसमें मैं कॉर्न स्टार्च डालना भूल गई थी, तो 1 टेबलस्पून जो है ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, मसाला जो है वो चिपक जाता है लेग पीसेस पर। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर लेग पीसेस पर लगाऊंगी। तो व्यूअर्स, मसाला लगाने से पहले मुझे इसके लेग पीसेस को थोड़ा थोड़ा फ्राई करना था ताकि इसमें ज़रा से एक कोटिंग सी आ जाए, तो मैं उसके बाद जो है फिर मसाला लगाऊंगी। तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें फ्राइंग स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा बर्नर कम कर लूँ। हमें इसको बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बस सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैंने लास्ट 2 पीसेस भी डाल दिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। लास्ट 2 पीसेस भी मैं निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स, चिकन हमारी ठंडी हो गई है बिल्कुल। अब मैं इसमें ये मसाला लगा दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, अच्छी तरह इसकी एक एक लाइन के अंदर जो हमने कट लगाए हैं उसमें मसाला लगेगा। मसाला मैंने इसमें अच्छी तरह कोट कर दिया है इसकी एक एक लाइन के अंदर, और मैंने इसमें थोड़ा सा चाट का मसाला भी मिलाया था, मुझे कम लग रहा था। तो अब मैं इसको इसमें डाल के और फ्रिज में रख दूँगी।
इसे प्लास्टिक रैप से ढक दूंगी, कवर करके इसको फ्रिज में रख दूंगी और फिर इसको कल निकालूंगी मैं। 24 घंटे के लिए मैं इसे रख दूंगी। 24 घंटे पूरे हो गए हैं, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं इसको आटे की परात में फैले हुए बर्तन में निकाल के रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसेस आपको बताऊँगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने आटे की परात ले ली है और इसमें मैं बटर पेपर लगाऊँगी और एक एक लेग पीस इसमें रखती जाऊँगी। सारे लेग पीसेस इसमें आ गए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये लेमन रख दूँगी, इससे ज़रा अच्छे फ्रेग्रेंस भी आ जाता है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। और इसको मैं साइडों से फोल्ड कर दूँगी और इसको एक और शीट से कवर कर दूँगी। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया है। कढ़ाई में पानी बॉईल हो रहा है और मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूंगी, जिसमें मैंने लिया है दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा और ये एक तेज़पत्ता। इससे भी बहुत अच्छा खुशबू आ जाती है। और इसमें मैं एक लेमन स्क्वीज कर दूंगी। और जब चिकन रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो मैं इसमें एक रैक रख के और ये आटे की परात उस पर रख दूँगी और उसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं आँच हल्की कर दूँगी। ये देखें, ये 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब मैं इसको कढ़ाई में रखती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये चिकन हमारी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। तो अब मैं इसमें जो इसके बाद का जो प्रोसेस करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पानी भी हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। मैं फ्लेम तेज़ कर देती हूँ और अब मैं इसमें ये रैक रख दूँगी और ये आटे की परात जो है ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ठीक है, अब ये है कि मैं इसका फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है, इसमें बॉयल आने लगेगा तो फिर मैं इसको फ्लेम को कम कर दूंगी और इसको मैं इसके लिड लगा के कवर कर देती हूँ। कवर करने के बाद मैं इसको तकरीबन एक साइड से 30 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। उसके बाद इसकी साइड्स पलट दूंगी और पलटने के बाद फिर मैं 30 मिनट्स पकाऊंगी और उसके बाद इसको डिश आउट करूंगी। व्यूअर्स, हमारी ये चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है। देखती हूँ इसकी क्या पोजीशन है और फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये तो बहुत ही अच्छा बना है। बहुत अच्छा कलर आया इस पर। तो अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लेग पीसेस को मैंने डिश आउट कर लिया है। मैंने बनाया है चिकन स्टीम रोस्ट, तो ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है। कलर भी बहुत अच्छा आया इसका और मैंने इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है। और अब आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और अब मुझे मेरे किचन डिलिशियस कुकिंग विद समीना 25 से इजाज़त दीजिए। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि जब मैंने इसकी साइड्स पलटी थी तो मैंने लेमन उतार दिया था। तो अब ये है कि मैं इसके ऊपर अभी भी लेमन रख देती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इस पर लेमन रख दिया है और अब आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अब मैं किसी और डिश में मिलूँगी इंशाल्लाह। मैं इसको डाइनिंग टेबल पे रख के आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने थोड़ा सा सैलड डेकोरेट किया है। तो ये व्यूअर्स देखें, थोड़ा सा मैंने सैलड और डेकोरेट किया था चेरी टमाटर्स के साथ। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और डिश में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।